हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली के सेकंड पार्ट का रिवीजन करेंगे। लेट स्टार्ट। सम फैमिली मेंबर्स लाइक अंकल्स, आंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मे लिव इन अनदर हाउस इन द सेम सिटी और इन डिफरेंट सिटीज। दे आर स्टिल मेंबर्स और द फैमिली। आपकी फैमिली मेंबर्स जैसे चाचा चाची, दादा दादी, हो सकता है अलग घर में, सेम सिटी में रहें या अलग सिटी में रह सकते हैं, बट वो लोग फिर भी फैमिली ही कहलाएंगे। बिग और स्मॉल पीपल इन ए फैमिली केयर फॉर ईच अदर। लेट सी हाउ। फैमिली में लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चाहे वो फैमिली बड़ी हो या छोटी। ग्रैंड डॉटर हेल्प आवर ग्रैंड फादर क्रॉस द रोड। इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि पोती अपने दादाजी को रोड क्रॉस करवा रही है। मदर एंड फादर हेल्प ईच अदर इन द किचन एंड शेयर द हाउस वर्क। मम्मी और पापा एक दूसरे की हेल्प करते हैं और घर के काम बांटकर करते हैं। ग्रैंड मदर फीड हर ग्रैंड सन। इस पिक्चर के अंदर दादी अपने पोते को खाना खिलाती है। नेक्स्ट पेज हम रीड करते हैं, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। द अदर कवर द पोस्टमैन ब्रॉट इज ए लेटर फ्रॉम राकेश फ्रेंड प्रणव। जो दूसरा लेटर पोस्टमैन लाया था राकेश के लिए, वो प्रणव का है, राकेश के फ्रेंड का। ही लिव्स इन आसाम। प्रणव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे लास्ट वीक। वो आसाम में रहता है। प्रणव ने अपना बर्थडे लास्ट वीक ही सेलिब्रेट किया था। रीड द लेटर फ्रॉम प्रणव, फिल इन द ब्लैंक्स इन द लेटर। नीचे प्रणव का दिया हुआ लेटर हम पढ़ेंगे और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करेंगे। डियर राकेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू फॉर द कार्ड दैट यू सेंट मी लास्ट वीक। थैंक यू। और यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, जो तुमने मुझे बर्थडे पे कार्ड भेजा था पिछले हफ्ते, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे बर्थडे। ओके। दिस इज ए पिक्चर ऑफ माई टेकन ऑन माई बर्थडे। ये पिक्चर जो नीचे दिया हुआ है ये मेरी फैमिली का है, जो कि मेरी बर्थडे पे लिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, फैमिली। वी ऑल लिव इन माई ग्रैंड फादर्स हाउस। हम अपने दादा दादी के घर पर रहते हैं। अब हम नीचे इस पिक्चर में देखेंगे कि कौन कौन है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, मी, एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन, बेबी तारा छोटी बहन, अंकल्स वाइफ आंट यानी कि चाची, फादर्स ब्रदर अंकल यानी कि चाचा। आई कट ए चॉकलेट केक एंड हैड ए लॉट ऑफ फन विद माई फैमिली। मैंने चॉकलेट केक काटा था और फैमिली के साथ बहुत मज़े किए। विद लॉट्स ऑफ लव प्रणव। अब नेक्स्ट पेज पे हम रीड करते हैं, प्रणव लिव्स विद ए लॉट ऑफ पीपल व्हाइल राकेश डज नॉट। प्रणव बहुत सारे लोगों के साथ रहता है पर राकेश नहीं। ए फैमिली वेयर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज ए न्यूक्लियर फैमिली। एक परिवार जहाँ सिर्फ पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ रहते हैं एक घर में, उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राकेश हैज ए न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ओनली ही एंड हिज पेरेंट्स लिव टुगेदर। जैसे राकेश की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है क्योंकि सिर्फ उसके मम्मी पापा और वह एक घर में रहते हैं। इन ए जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। समटाइम्स इवन अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव इन ए सेम हाउस। एक जॉइंट फैमिली में दादा दादी, पापा मम्मी और बच्चे रहते हैं, या कभी कभी चाचा चाची और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रणव हैज ए जॉइंट फैमिली। जैसे प्रणव की फैमिली जॉइंट फैमिली है। थस द फैमिली आर ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। तो हमने जाना फैमिली दो टाइप की होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली
और दूसरी जॉइंट फैमिली। अब हम नेक्स्ट पेज पे रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और आप बताइए कि ये किन किन की फैमिली है। ये फर्स्ट वाली फैमिली है पवन्स फैमिली, मेघनाज फैमिली, प्रणव फैमिली एंड राकेश फैमिली। टेक द टाइप्स ऑफ फैमिलीज राकेश एंड हिज फ्रेंड्स बिलोंग टू। आपको टिक करना है नीचे इन सब की फैमिली कौन से टाइप की है, न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है। तो फर्स्ट वाला है राकेश। तो राकेश की फैमिली कहाँ है ये, तो राकेश की फैमिली इसमें भी सिर्फ पेरेंट्स और राकेश रहता है, तो हम किस पर टिक करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली पर। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर फैमिली पर टिक करेंगे। सेकंड वाली है पवन की फैमिली। पवन की फैमिली कहाँ है ये, पवन की फैमिली में भी सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो इसमें भी हम न्यूक्लियर फैमिली पर टिक करेंगे। तो यहाँ न्यूक्लियर पर टिक करेंगे। थर्ड वाली है मेघना फैमिली। तो वो कहाँ है ये है, मेघना की फैमिली में भी सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो इसमें भी हम न्यूक्लियर पर टिक करेंगे। अब फोर्थ वाली है प्रणव फैमिली। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट सब रहते हैं, तो ये कोई जॉइंट फैमिली, तो इस पे हम यहाँ पे जॉइंट पे टिक करेंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा रिवीजन के लिए। थैंक यू, टेक केयर। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट माइंड मैप। इस माइंड मैप को कंप्लीट करना है। व्हाट इज ए फैमिली, फैमिली क्या है। नेक्स्ट में दे रखा है फैमिली, फैमिली में मेंबर्स होते हैं। नीचे टाइप ऑफ फैमिली, कितने प्रकार की फैमिली होती है, हमने पढ़ा था टू टाइप की फैमिली। अब इसमें एक में पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं, तो वो हुई न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरी में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, चिल्ड्रन रहते हैं, तो वो कौन सी फैमिली हुई, जॉइंट फैमिली। तो हम उसमें जॉइंट फैमिली भर लिखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट वाला है राजू एंड हिज पेरेंट्स लिव टुगेदर इन चेन्नई, हिज ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, ही बिलोंग टू ए। राजू और उसके पेरेंट चेन्नई में साथ रहते हैं, उसके दादा दादी दिल्ली में रहते हैं, तो वे कौन सी फैमिली में रहता है, न्यूक्लियर या जॉइंट। यस, न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि राजू सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहता है। सेकंड है सुनीता, हर पेरेंट्स एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इन जयपुर, दे मेक ए। सुनीता उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं जयपुर में, तो वो कौन सी फैमिली में रहती है, न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली। यस, जॉइंट फैमिली में, क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं। अब आपको सेकंड में आपको आंसर देना है व्हाट इज ए फैमिली, फैमिली क्या है, क्या होती है फैमिली। ए फैमिली इज ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर। फैमिली ग्रुप होता है लोगों का जो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। इन सभी क्वेश्चन आंसरों को आप लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।